हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नसीर ट्रेडर्स में। ट्रेडर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में ही ट्रेडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है। अगर किसी स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि मोमेंटम आने वाला है या ड्यूरिंग द मार्केट्स आने वाले होते हैं तो उस स्टॉक को मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू डाल देता हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखा कीजिए। बात करते हैं दोस्तों कि इन्फोसिस में एक न्यूज है और ये न्यूज मुझे लगता है कि एक निगेटिव न्यूज इन्फोसिस के लिए है, और मुझे लगता है कि कल इन्फोसिस के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। और एक मुझे लगता है कि इन्फोसिस के अंदर इस न्यूज के कारण अभी तक ये सरकार और जो इसमें जो न्यूज है वो न्यूज क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्फोसिस के CEO को समन भेजा है, और जो ये IT पोर्टल, IT जो हम लोग टैक्स भरते हैं, जो IT पोर्टल बना है टैक्स पोर्टल, उनमें इन्होंने अभी तक वो ग्लीच जो था उन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं हो गया। देखिए, IT फॉर्म एक अलग से ही एक अलग बहुत बड़ी बात है। चलिए हम एक बार न्यूज को देख लेते हैं कि न्यूज है क्या। देखिए यहाँ पे न्यूज आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर समन इन्फोसिस CEO सैलिल पारेख करके ये बंदा है, इनको इन्होंने समन भेजा है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर हिंदी न्यूज अगर आप पढ़ते हो तो देखिए, वित्त मंत्रालय की कार्रवाई, इन्फोसिस के CEO को जारी किया गया समन, नए आयकर पोर्टल में दिक्कतों का मामला। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने ये समन भेजा गया है। और ये न्यूज अभी वायरल में है, ये न्यूज बहुत ही ज़्यादा वायरल में है। और ये न्यूज अगर आप देखोगे ना तो ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको टॉप पोज पर ले रखा है कि गवर्नमेंट समन इन्फोसिस CEO टू एक्सप्लेन ग्लीच इन IT ई पोर्टल ई फिलिंग पोर्टल। मतलब कि ओवरऑल बात किया जाए तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इन्फोसिस के CEO को समन भेजा है और उनको बुलाया गया है कि जो IT ई फिलिंग पोर्टल है उसमें जो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया है। और ये यकीन माने कि इन्फोसिस की तरफ से इतनी जल्दी ये जो ग्लिच है, अब भी ये इतना जल्द में ग्लिच को सॉल्व करना नामुमकिन है। किसी तरह ये ग्लिच अगर चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि करीबन एक साल से अबव चल सकता है ये ग्लिच, 6 महीने से लेकर 1 साल तक चल सकता है, क्योंकि IT पोर्टल में बहुत ऐसी खामियां हमें देखने को मिल सकता है, ये यकीन माने आप, ये मेरा मानना है। देखिए अगला न्यूज़ देखिएगा, इन्फोसिस CEO ये जो सलील परेख समन बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू एक्सप्लेन ग्लिच इन न्यू इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल, यहाँ पर भी है। द हिंदू ने भी IT पोर्टल ग्लिच, फाइनेंस मिनिस्टर समन इन्फोसिस CEO सेल परेख फॉर एक्सप्लेनेशन, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हुआ, इस क्यों हो रहा है वो ग्लिच, आखिर इसको अभी कब तक सॉल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट समन इन्फोसिस CEO टुमारो टू एक्सप्लेन टैक्स साइट ग्लिच। देखिए NDTV ने कहा, गवर्नमेंट समन इन्फोसिस CEO टुमारो टू एक्सप्लेन टैक्स साइट ग्लिच, और वहाँ भी मतलब एकदम से प्रमुखता से इन्फोसिस CEO सेल पर एक समन बाई फाइनेंस मिनिस्टर ओवर IT पोर्टल ग्लिच। मतलब एक तरह से सारे न्यूज वाले ने, ये देखिए, बाय ग्लिच इन न्यू IT पोर्टल इवन आफ्टर 2.5 मंथ, गवर्नमेंट कॉल इन्फोसिस CEO एज टैक्स पेयर फ्रेट। मतलब कि टैक्स पेयर के तरफ से ये बार बार इशू उठाए जा रहे हैं कि अभी तक इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, और हर एक 3 महीने पर IT मतलब कि भरा जाता है टैक्स, तो वो मतलब कि अभी तक ये ठीक नहीं होगा। मेरा मानना है कि अभी 1 साल से इधर 6 महीने से लेकर 1 साल लग सकते हैं इसको ठीक करने में। देखिए हम अगर अभी जैसे कि कोई जो भी टेक्निकल बंदा होगा वो काम करने के बाद टेस्ट करेगा, पर कुछ ना कुछ उसके अंदर टेक्निकल ग्लिच पड़ ही जाएंगे, जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अभी और भी ये भाई साहब बार बार बुलाए जाएंगे और इतनी जल्दी से सॉल्व होने वाला नहीं है ये। फाइनेंस मिनिस्टर समन इन्फोसिस CSL पर एक टुमारो ओवर परसिस्टेंस ग्लिच, इनके बारे में इनको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उन सभी को एक्सप्लेन करना है। तो ओवरऑल बात करें, देखिएगा ये प्रमुखता से लिया गया है इस चीज़ को, सारे न्यूज मतलब न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को लिया है। तो इन्फोसिस के लिए ये एक अगर संतुष्टजनक सवाल उनके CEO के तरफ से नहीं दिया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ CEO को बुलाया गया है, उनके और भी जो बंदे होंगे वो सारे आएंगे, टेक्निकल टीम भी आएंगी जो एक्सप्लेन करेंगे,
और मुझे लगता है कि कल इन्फोसिस के अंदर ये जो समन भेजा गया है और इसके कारण थोड़ा इस स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अंदर दबाव देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर की कंपनियों में भी दबाव देखने को मिल सकता है, मगर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्फोसिस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए इन्फोसिस को कल सेल करने की ही अपॉर्चुनिटी में रहिएगा। इन्फोसिस के अंदर अगर बाय करना हो किसी को तो बाय से परहेज कीजिएगा। इन्फोसिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे अभी इन्फोसिस के अंदर, मगर हाँ लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हो आप तो आप इन्फोसिस को बाय करके होल्ड कर सकते हो, आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है इन्फोसिस के अंदर। मैं कहता हूँ अगर 10 साल का नज़रिया है तो इन्फोसिस आपके लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। देखिए इस स्टॉक को मैं ना जब ये स्टॉक 1400 रुपये का 1200 रुपये का ट्रेड कर रहा था ना तभी से इस स्टॉक को मैं बोल रहा हूँ बाय करके होल्ड करें, बाय करके होल्ड करें। जब से मैं बोल रहा हूँ अगर आपने उस वक्त से भी नहीं किया होगा ना, अगर किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, मगर अभी भी यकीन माने कि इस स्टॉक में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो आपको इस स्टॉक में आने वाले कमिंग डेज के अंदर एक अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हो पोजिशनली लॉन्ग टर्म में भी और पोजिशनली भी। बाकी बस इस वीडियो में बताने का यही था कि इन्फोसिस के अंदर जो ये समन भेजा गया है ये एक तरह से ये न्यूज़ था, इसीलिए मैंने आपको बताना चाहा। बाकी धन्यवाद आपका।